और आइए आगे बढ़ते हुए 8 बजे की 80 सुपरफास्ट खबरों पर आप डाल लेते हैं नजर। सर्वे में दोनों पक्ष कर रहे हैं सहयोग। जो सर्वे जारी है एसआई का, हिंदू पक्ष के वकील ने साफ कहा है कि एसआई की टीम जो है वो अपना काम कर रही है, न्यायालय पर भरोसा पूरा है। सर्वे में दोनों पक्ष सहयोग कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा एएसआई की टीम कर रही है अपना काम, न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है। ज्ञानवापी पर बोले हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद कीजिए, वो भगवान शिव का मंदिर है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में बोल सकते हैं राहुल गांधी, आज दोपहर 12 बजे शुरू होगी चर्चा। 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 9 अगस्त को गृहमंत्री दे सकते हैं अपना बयान। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बीजेपी सांसदों की बड़ी बैठक होगी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के 20 स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव पर रखेंगे पार्टी का पक्ष, स्पीकर स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन जैसे नाम शामिल है। राज्यसभा से भी दिल्ली सेवा बिल पास, पक्ष में पड़े 131 वोट, लोकसभा से पहले ही बिल हो चुका है पास। दिल्ली सेवा बिल के विपक्ष में पड़े 102 वोट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था इसको पेश। राघव चड्ढा की बड़ी मुसीबत, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर 5 सांसदों का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करने का उनके ऊपर आरोप है, उपसभापति ने दिए जांच के आदेश। मोदी सरकार पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हमला, बोले विपक्ष के एकजुट होने से केंद्र परेशान। नूह में आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील, प्रशासन ने जारी किए आदेश। हरियाणा के नूह जाएगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में और साथ ही साथ जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात का भी कार्यक्रम रहेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है, बोले बीजेपी समय रहते अगर सही कदम उठाती तो हिंसा नहीं होती। आज गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे मणिपुर के आदिवासी नेता, अलग राज्य की मांग पर जोर देंगे। ज्ञानवापी सर्वे पर बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान का बयान, बोली आने वाली पीढ़ी के लिए बर्बादी का रास्ता छोड़ गए मुगल। न्यूज क्लिक पर भारत विरोधी अभियान चलाने का आरोप, ईडी के मुताबिक अब तक करीब 80 करोड़ की हुई है फंडिंग, आरोपियों के खिलाफ दाखिल होगी चार्जशीट। आर्टिकल 370 मामले में जारी रहेगी सुनवाई, आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को दी गई है चुनौती, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ कर रही है मामले में सुनवाई। देशद्रोह कानून के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई, बीते साल कोर्ट ने लगाई थी रोक। आज पीएम मोदी के साथ राजस्थान के सांसदों की बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के बाद रामपुर में उठी आजम खान की सदस्यता बहाली की मांग, वीर भगत सिंह युवा मोर्चा ने राष्ट्रपति को लिखी है चिट्ठी। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई पर सुनवाई, 11 दोषियों को रिहा करने के आदेश को रद्द करने की मांग है। आज जंतर मंतर पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, देश में बढ़ती नफरत, हिंसा और महंगाई के खिलाफ विरोध। असम में 4 शादियों के खिलाफ कानून बनाने की जो है तैयारी चल रही है, देवबंदी उलेमा ने जताया उस पर एतराज, कहा कि लिव इन रिलेशन पर बनाए कानून। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, आतिक का गुर्गा मोहम्मद जावेद अजमेर से गिरफ्तार किया गया, आरोपी पर था 50,000 रुपए का इनाम। अतीक की पत्नी शाइस्ता के घर पर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, गिरफ्तारियां सरेंडर नहीं करने पर कुर्क होगी जमीन। बिहार में एआईएमआईएम ने थानों में बने मंदिरों और पूजा पर एतराज व्यक्त किया है, कहा हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी, बीजेपी ने किया पलटवार। महाराष्ट्र के सतारा से खबर है जहां पर कोर्ट के अंदर गोलीबारी हुई है, होटल में वसूली करने के आरोप में 3 आरोपियों की पेशी के दौरान गोलियां चल गई। पलामू में युवक ने धर्म परिवर्तन कराकर विवाहिता से निकाह किया, लड़की के परिवार और विधायक ने विरोध प्रदर्शन किया। अलीगढ़ से खबर जहां पर झाड़फूंक के नाम पर महिला का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश हुई, पुलिस ने आरोपी मौलवी के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना को मिली बड़ी सफलता, हिजबुल आतंकी मुनीर हुसैन को मार गिराया गया। दिल्ली में बेकाबू रफ्तार का कहर, सिविल लाइन्स इलाके में रेड लाइट पर ट्रक ने मारी कार में टक्कर, कार सवार मेकअप आर्टिस्ट की मौके पर मौत हो गई।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में नाले के उफान में फंसी कार, स्थानीय लोगों ने कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में यमुना में नहाने गए चार युवक डूब गए, एक की मौत हो गई है, तीन का रेस्क्यू हो गया है। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले में बहे तीन युवक, स्थानीय लोगों ने उनकी जान बचाई। देहरादून में भारी बरसात से हाल हुआ बेहाल, टपकेश्वरनाथ मंदिर में भरा बरसात का पानी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पांच दिन से हो रही बारिश से उफान पर नदी नाले, पानी के बहाव में बहने से एक शख्स की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में तालाब में नहाने गए दो बच्चे डूब गए, एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत हो गई है। बिजनौर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, आसपास के इलाकों में पानी भर गया है, सड़कें हुई जलमग्न। दिल्ली के द्वारका में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, दो तस्करों को किया गया गिरफ्तार, 5 किलो गांजा बरामद हुआ। मथुरा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कॉलेज के प्रिंसिपल का फूका पुतला, कॉलेज प्रबंधन पर फीस बढ़ोतरी का आरोप। कानपुर में एक मकान में धमाका, इलाके में मची भगदड़, ब्लास्ट में महिला घायल हुई है, जांच में जुटी पुलिस की टीम। झांसी में दो बाइक्स की आमने सामने भिड़ंत हो गई, तीन लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। महाराष्ट्र के सतारा के कोर्ट के अंदर फायरिंग, गैंगस्टर की पेशी के दौरान वारदात, 15 लोगों पर FIR दर्ज। यूपी के भदोई में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, मौके से 5 महिलाएं गिरफ्तार, ढाबा संचालक भी गिरफ्तार। शामली में 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए, आरोपियों से लूट का माल भी जब्त किया गया, केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है पुलिस। सहारनपुर में डोरा पोस्ट के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार, इसकी कीमत लगभग 1,40,00,000 रुपए बताई गई है। मैनपुरी में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या, साथ भागने से मना करने पर प्रेमिका का मर्डर किया गया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के सागरपुर इलाके में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद, आधे घंटे के अंदर 3 जगह से स्नैचिंग की वारदात, जांच में जुटी पुलिस की टीम्स। खरगोन के स्कूल में शराब का जखीरा बरामद, हॉस्टल से 21 पेटी अवैध शराब बरामद, आरोपी टीचर गिरफ्तार। ग्वालियर में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हुई है, 5 लोग घायल हुए, जांच में जुटी पुलिस की टीम्स। मुंबई में मोबाइल चोरों पर पुलिस का एक्शन, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 74 फोन्स भी बरामद। हिमाचल के चंबा में 3 वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 3 अलग अलग हादसों में 5 की मौत, 1 घायल। पठानकोट में टोल प्लाजा पर कार सवार और ट्रक ड्राइवर के बीच मारपीट, बेसबॉल और तेज हथियार से एक दूसरे पर हमला किया। पटियाला में किसान ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया, लाखों के कर्ज और फसल के नुकसान से परेशान चल रहा था किसान। दिल्ली के सागरपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने मचाया उत्पात, 3 अलग अलग जगहों पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, 1 बुजुर्ग की मौत, 2 घायल। फतेहाबाद से खबर, कोर्ट परिसर के पास चाकू से हमला, युवक गंभीर रूप से जख्मी, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दादा स्टेशन पर लूट का विरोध करने पर महिला यात्री को ट्रेन से फेंका, पुणे में मुंबई आ रही उद्यान एक्सप्रेस में हुई घटना, आरोपी गिरफ्तार। आसमगढ़ में अवैध निर्माण पर एक्शन, खेती की जमीन पर बने मकानों को हटा दिया गया। नालंदा में जमीन विवाद में शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, सड़क किनारे गड्ढे में मिला शव। विदिशा में नाबालिग से छेड़खानी करने वाले आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग ने कर ली थी आत्महत्या। सहरसा में शराब कारोबारी के घर छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला, 1 ASI गंभीर रूप से घायल। जालौन में दिन दहाड़े महिला की सर कुचल कर हत्या, शव को देखकर गांव वालों में हड़कंप मच गया। महोबा में 5 पशु तस्कर गिरफ्तार, कंटेनर में 49 भैंसों को ले जा रहे थे ये आरोपी। अमेठी में ऑनर किलिंग का केस सामने आया, ऑनर किलिंग का परिजनों ने छात्र का शव दफना दिया, डीएम के आदेश पर शव को निकाला गया बाहर। बागेश्वर में भालू के पत्ते के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 लाख रुपए है इसकी कीमत। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में चलती बाइक में चालक से आग लग गई, बाइक सवार ने कूद कर अपनी जान बचाई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर स्टंट का वीडियो आया सामने, कई गाड़ियों के साथ बनाई रील्स, रोड पर लगा लंबा जाम। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पानी को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया, एक परिवार ने दूसरे परिवार पर बरसाए ईंट पत्थर, चाकू से भी हमला किया। गुरुग्राम में उपद्रवियों ने धर्मस्थल को किया आग के हवाले, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस शुरू कर चुकी है जांच।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में कोई सुविधाएं नहीं मिली, इमरान के वकीलों ने लगाया है आरोप। तुर्की के बंदरगाह पर अनाज पंजाब में भयंकर विस्फोट, सीसीटीवी सामने आया है, धमाके के कारण किसी भी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। तुर्की में अनाज भंडार में हुए विस्फोट में 10 लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अलास्का में मेडनहॉल नदी में आई है बाढ़, पानी के तेज बहाव में ढह गया मकान, पूरे इलाके में अलर्ट जारी। अमेरिका के इंडियाना में तूफान का कहर जारी है और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है, जगह जगह पर पेड़ उखड़े। स्वीडन में भारी बरसात बनी परेशानी, 100 यात्रियों से भरी ट्रेन पटरी से उतर गई, कई लोग घायल हुए हैं। स्वीडन के कई हिस्सों में भारी बारिश, सड़कों पर भर गया है पानी, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी।